आने वाले 3 सालों में बद्दी औद्योगिक हब को बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ बद्दी रेल परियोजना धरातल पर उतरने जा रही है। 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण कार्य चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन पास के पास से शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना के लिए हरियाणा और हिमाचल दोनों प्रदेशों की कुल 95 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है। यह रेल लाइन हिमाचल और हरियाणा के 9 गांवों से होकर गुजरती हुई बद्दी तक पहुंचेगी। इनमें सराज, माजरा, शीतलपुर, कल्याणपुर, चक, जंगी, लांडेवाल, केंदुवाल, बिन लनवाली, गुजरा, हरिपुर, संधोली और संधोली के गांव शामिल है। यह मार्ग बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला, दाल घाट के औद्योगिक क्लस्टर सीधे चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इसका ट्रांस सिटी के आसपास के 42 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। दरअसल चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2007 में की थी। यह रेल लाइन 28.4 किलोमीटर की है। इस प्रोजेक्ट का ज़्यादातर हिस्सा 25 किलोमीटर हरियाणा के पंचकुला जिले में है, जबकि हिमाचल में सिर्फ 3.4 किलोमीटर पड़ता है। हिमाचल के 3.4 किलोमीटर एरिया में पहले ही रेल पटरी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। इसका करीब 5% काम पूरा हो कर लिया गया है। हरियाणा में बद्दी में चंडी मंदिर तक बिछाई जाने वाली 25 किलोमीटर का दूसरा हिस्सा शेष बचा था। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बाद पंचकुला के चंडी मंदिर एरिया में काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ मशीनें लगा दी गई हैं और मिट्टी लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र को क्या लाभ होगा? बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र को यह लाभ होगा, हिमाचल प्रदेश के बद्दी व नालागढ़ एरिया में कई मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े प्लांट हैं। फार्मा सेक्टर का यह एरिया हब है। इसे में बद्दी के अमृतसर, कोलकाता गलियारे से जुड़ने का पूरा रीजन को फायदा होगा। यह कनेक्टिविटी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहायक होगी। उद्योगों को कच्चा माल लाने और तैयार माल को अन्य राज्यों में भेजने के लिए रेलवे का विकल्प मिलेगा। इससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। रेल नेटवर्क से इस सीजन में व्यापार व रोजगार के नए भी अवसर पैदा होंगे। रेलवे के अनुसार इस रेलवे लाइन को पूरा करने की समय सीमा जून 2025 है, जो चंडीगढ़ को उत्तरी भारत के औद्योगिक केंद्रों में एक से एक है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी से जोड़ेगी। बद्दी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का केंद्र है, जहां 7 लाख से अधिक कार्य लोग करते हैं।